वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं अमेजोन ज्वेलरी हॉल। तो मैंने है ना अमेजोन से बहुत हेवी वाली इयर रिंग्स मंगाए हैं जो कि परफेक्टली जाने वाले हैं ये शादी सीजन में। एंड अगर आप देख रहे हो कुछ वेडिंग के लिए अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग कुछ ज्वेलरी मैच करने के लिए, तो आई थिंक ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पर बता दूँ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो मेरा जो फर्स्ट पिक है गाइज मैं आपको वो दिखा दे रही हूँ। तो फर्स्ट मैंने पिक करे हैं बहुत ही सुंदर से झुमके जो कि आपको इमेज में यहाँ दिख जाएंगे किस तरह के हैं, ऐप में दिख रहे हैं। एंड ये वाकई में फोटो में जो दिखा रखा है ना उससे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं सामने से। यूजुअली ऐसा होता नहीं बट ये सामने से और ज्यादा सुंदर आए हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं ना पहनने के बाद। आपको मैं ट्राइन के भी अटैच करूंगी तो आप देख लेना कैसा लग रहा है, बट मैं आपको दिखा देती हूँ वैसे इयर रिंग्स आए किस तरह के हैं। तो ये है कुछ इस तरह के। सो एज यू कैन सी इसमें ना पूरा इस तरह का मीनाकारी वाला जो बोलते हैं दिकाम वो है और पूरे में ना पिंक और इस तरह के स्काई ब्लू कलर के बीड्स लगाए हुए हैं और पर्ल जो ये पर्ल है छोटे छोटे इस तरह की पूरी डिटेलिंग है। तो बहुत ही डिफरेंट एंड हटके इन ईयरिंग की डिज़ाइन है, आई रियली लाइक इट। और यहाँ पे भी इस तरह का कुछ डिज़ाइन दी हुई है जो कि बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं। एंड ये पहनने के बाद इतने अच्छे खिल के आ रहे हैं ना, आपको और कुछ भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है अगर आप कुछ भी वेडिंग वेयर या कुछ हैवी आउटफिट पहन रहे हो। तो इवन सिंपल सी कुर्ती वगैरह पहन लो, उस पर इस तरह की अरेंज या साड़ी पे आप डाल लो ना, तो पूरी जो आउटफिट है ना बहुत ही अमेजिंग लगने वाली है। तो ये है कुछ इस तरह के। और इसकी क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो इट्स टू गुड, टोटली वर्थ द प्राइस। बहुत ही अच्छे हैं, हल्का वेट है इन ईयर रिंग्स का बट स्टिल इट ओके, क्योंकि पहनने पर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं तो मुझे काफ़ी पसंद आए। एंड मेरा जो नेक्स्ट जो पेयर है ना वो उतना ही अच्छा है, वो भी सिमिलर इसी तरह के पैटर्न का मैंने मंगाया है। बट ये जो इयर रिंग्स हैं मतलब कुंदन के इयर रिंग्स है और ये मैंने बोल एक दो बार पहले भी ऑनलाइन मैंने देखे थे बट मैंने उस टाइम लिए नहीं, बट फाइनली मैंने सोचा इस बार ले ही लेती हूँ। और ये मतलब हर आउटफिट पे आ गए ना आपको आराम से चल जाएंगे। तो ये है कुछ इस तरह के हैवी कुंदन वाले इयर रिंग, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह के हैं। इसमें भी पर्ल और कुंदन का काम किया हुआ है, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं पहनने के बाद। और इसको भी आप हर आउटफिट पे पहन सकते हो, लहंगा साड़ी सूट कैसे भी आप इसको स्टाइल आउट कर सकते हो। तो ये पहनने पे बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्वालिटी अगेन इट्स टू गुड। वेट के बारे में बात करते हो यस ये थोड़े हैवी हैं पहनने में, तो अगेन मैंने आपको जैसे बताया है ईयर चेन या फिर आप इसको टेप के साथ वैसे पहनते हो वैसे पहन सकते हो, तो बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं ये वेडिंग सीजन में। एंड मेरा जो नेक्स्ट पेयर है जो मैंने झुमके मंगाए हैं वो है कुछ इस तरह के, जिसे आपको इमेज में दिख जाएंगे। और ये आए हैं सामने से कुछ इस तरह के जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और ये ना मैंने इसमें कोई कलर इसमें सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये वाले जो कलर है इस तरह के झुमका के जो कि प्लेन पर्ल और कुंदन वाले हैं तो हर आउटफिट पर आराम से चले जाएंगे। आपको कोई भी मतलब ऐसे मैच करना नहीं रहेगा कि इसमें मैच होगा कि नहीं, हर आउटफिट पर आराम से जाएगा। तो आप इनको कैरी कर सकते हो आराम से। और इनके वेट के बारे में बात करूँ तो ये कंपेयर जो मैंने पहले के दो इयर रिंग दिखाए थे वो बहुत हैवी है बट ये उतने हैवी नहीं है, तो आप आराम से इनको एज इट इज कैरी कर सकते हो, बहुत सुंदर लगने वाले हैं पहनने के बाद। एंड आप ट्रायल में भी देख लेना किस तरह के लग रहे हैं, मुझे पर्सनली ये वाली इयर रिंग्स बहुत सुंदर लगे। एंड मेरा जो नेक्स्ट पिक है जो मैंने नेक्स्ट अमेजोन से जो झुमके मंगाए हैं वो है कुछ इस तरह के, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहे हैं। और ये आए हैं ना मतलब कमाल ही आए हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर आए हैं। और इस ब्रांड के मैंने पहले भी एक दो इयररिंग्स मंगा रखे हैं और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली है और अभी तक वो एज इट इज़ है, कुछ नहीं बिगड़ा है उन इयररिंग्स का। और ये वाले आए हैं कुछ इस तरह के जो कि बहुत ही प्यारे से हैं, बहुत ही हल्का सा सी ग्रीन कलर बोल सकते हो, ऐसा सा कुछ कलर के आपको इयररिंग्स मिलेंगे जो कि अच्छे लग रहे हैं पहनने के बाद। और इनका भी हल्का वेट है क्योंकि थोड़े हैवी है ये पर्ल की वजह से ना थोड़ा वेट हो जाता है इयररिंग्स में, बट ये पहनने पे बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये भी आप लहंगा पे साड़ी पे अगेन सभी आउटफिट पे आराम से इन इयररिंग्स को कैरी कर सकते हो। और लुक के बारे में बात करें तो लुक तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ रहा है और मतलब काफ़ी ईजी है कैरी करने में, मतलब हर सिंपल सी आउटफिट को ना इस तरह की इयररिंग्स मतलब चार चांद लगा देते हैं आउटफिट पे। तो अगर आपको कुछ सिंपल और मतलब आपकी कुछ आउटफिट है और आप उसको थोड़ा और डिफरेंट एंड स्टाइलिश लुक देना चाहते हो तो आप इस तरह के हैवी इयररिंग्स के साथ उनको पेयर अप कर लो, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। और आपको कुछ नेक पीसेस वगैरह पहनने की भी जरूरत नहीं, इस तरह के हैवी इयररिंग्स अपने में एक स्टेटमेंट होते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना पड़ेगा, क्विक रहता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये वाले काफ़ी अफोर्डेबल भी है, अंडर 500 है मैंने जो भी सारी इयररिंग्स मंगाए हैं तो काफ़ी सही है। तो इन सभी की क्वालिटी लुक 10/10 है, हाईली रिकमेंड आप इनमें से कोई सा भी ट्राई कर लो, एक से भी आप डिसअपॉइंट नहीं होगी क्योंकि बहुत ही अच्छे निकले हैं।
सो दैट इज ऑल इन टुडेस वीडियो. आई होप आपको मेरा आज का ये अमेजोन इयरिंग हॉल अच्छा लगा हो. एंड अगर आप इस तरह के और ज्वेलरी हॉल देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपके लिए उस तरह के और ज्वेलरी हॉल लेकर आऊंगी. सो तब तक के लिए गाइज, बाय बाय एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.